बैक टू द माय चैनल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लेन फैब्रिक पे। ये वाइट फैब्रिक मैंने लिया है, ये देखिए ये वाइट फैब्रिक है और इस पर मैंने यहाँ पर नेक ड्रॉ कर लिया है, पैटर्न नेक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा पान शेप में है, आई होप आपको क्लियर शो हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह से, ये लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा था। तो और उसके लिए मैं यहाँ पर पैच वर्क करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने सिंगर फैशन मेकर 1409 स्विंग मशीन का, ये आप देख सकते हैं। और जिगजैग पैटर्न ही सेलेक्टेड है और स्टिच विथ जो है वो मैंने 3 पॉइंट पर सेलेक्ट की है। और ये इस कलर का पैच लगाएंगे, साथ ही में हम ये गोल्डन डोरी का यूज़ करेंगे। ये पतली वाली गोल्डन डोरी है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में। तो ये पैच, अब मैं आपको स्टिच बताती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये बिल्कुल नेक लाइन के सेंटर में मैंने ड्रॉ कर रखी है। इसी पर हमें पैच वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सेंटर पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हमें पैच लगाना स्टार्ट करना है। तो सेंटर से ये जो नेक का जो कर्व है, नेक का जो वी शेप बना हुआ है, इससे हम थोड़ा उसा ऊपर से पैच लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जब हम नेक बनाएंगे तो यहाँ से ये वी पूरा क्लियर आएगा और पूरे में पैच वर्क क्लियरली शो होगा। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे सबसे पहले हम एक सिंगल स्टिचिंग लेकर के इसे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल स्टिच लेंगे और इसे सेंटर में बिल्कुल हम फिक्स कर देंगे, जितनी भी लंबी नेक लाइन हमें बनानी होगी, जिससे कि ये थोड़ा सा भी इधर उधर मूव ना हो और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेकलाइन बन जाए। देखिए बिल्कुल सेंटर में हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ तक की नेकलाइन मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से फैब्रिक को कट कर देती हूँ और नीचे की साइड में हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से हो गया। इस स्टिचिंग को हम बाद में ओपन कर देंगे, अभी फ़िलहाल हम यहाँ सेंटर में इसे सिर्फ फिक्स करने के लिए हमने ये स्टिच की है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस साइड में हमें फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, दोनों ही साइड से फोल्ड करेंगे। और साथ ही में हम यहाँ पर ये गोल्डन वाली डोरी जो हमें इसमें डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे अप्लाई करेंगे। इसमें एक नॉट लगा लेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक नेक लाइन बताई थी आपको वाइट फैब्रिक पे ही, उसमें भी बताया था मल्टी कलर की डोरी से इस तरह से नॉट लगा लेंगे और ये फुट के अंदर इसे हमें इस तरह से लगाना है। देखिए ये फुट के ऊपर से जा रही है डोरी, इस तरह से बैक कर देना है। और यहाँ जो हम ये फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं बिल्कुल उसी फैब्रिक पे ऐसे, देखिए ऐसे इसे यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर पे इसे अप्लाई करना है इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे अप्लाई होगी ये डोरी। और यहाँ पर अब हमें जिगजैग पैटर्न सेलेक्ट करना है और स्टिच विथ हमारी 3 पर है, बस हमें एक बार नीडल को चेक करना है। नीडल को इस तरह से चेक कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से ये जिगजैग में जा रही है। अब बस हम अपनी मशीन को प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से जिगजैग होते हुए ये डोरी इसमें स्टिच हो जाएगी। ये देखिए ऐसे डोरी अपने आप ही, देखिए ये फुट की वजह से, फुट के ऊपर से हमने जो ली है उसकी वजह से बहुत ही क्लियरली वो डोरी अपने आप नेकलाइन पे चलती जाती है। सिर्फ हमें फैब्रिक को इधर से सेट करना होता है। ये देखिए इस तरह से पूरे फैब्रिक को हम यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग देंगे। फैब्रिक को अच्छे से ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से कॉर्नर्स इक्वल होनी चाहिए, नीचे से भी और साइड से भी। अब यहाँ कॉर्नर से हम ऐसे नीडल को फैब्रिक के अंदर इंसर्ट रहने देंगे और फुट को उठा लेंगे, ऐसे टर्न कर लेंगे। ये इस साइड में देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पूरी डोरी, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये डोरी लग गई है। अभी फाइनल लुक मैं आपको शो करूँगी, अगर आपको इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा होगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए फुट को डाउन करेंगे
और इस साइड का भी फैब्रिक हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे, इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे हल्का सा, और डोरी को बिल्कुल ऐसे ही सीधे रखना है। यहाँ पे भी डोरी को फैब्रिक में इनसाइड इंसर्ट रखेंगे निडल को, और इस तरह से फैब्रिक टर्न कर देंगे। और इस साइड भी हमें फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए सेम पैटर्न बनाना है। ये देखिए ऐसे, बस ये ध्यान रहे कि इतना हम फैब्रिक फोल्ड करें जितना हमारे जिगजैग के थ्रू फैब्रिक पकड़ में आ जाए और स्टिच हो जाए, ताकि हमारी नेकलाइन जो है वो अनफिनिश ना लगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बनने वाली है, सिंपली ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं वो। जिन लोगों को सिंपली अट्रैक्टिव नेकलाइन चाहिए होती है, ब्यूटीफुल नेकलाइन चाहिए होती है, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल नेकलाइन है। आप इस तरह की कुर्तीज़ को कैजुअली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फेस्टिव्स में भी आप अच्छे से दुपट्टा के साथ इस तरह की प्लेन कुर्तीज़ वियर कर सकते हैं। किसी भी कलर के फैब्रिक पे आप बना सकते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग। ये देखिए, ये देखिए आपकी ऑलमोस्ट पूरी नेकलाइन बनकर रेडी हो गई है। लास्ट में स्टिच को पक्का कर देंगे और थ्रेड को और हमारी डोरी को दोनों को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये नेकलाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। ये सिर्फ सेंटर में आएगी, पूरी कुर्ती का लुक मैं आपको फाइनली लास्ट में शो करूंगी, कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग में आपको नहीं शो करेंगी। ये इस तरह से लुक आ गया इसका। अब इस डोरी को अगेन मैं बिल्कुल इसी पैटर्न से ये साइड में अप्लाई करूंगी, ये ऐसे। तो यहाँ पर कैसा लुक आएगा, टू गोल्डन लाइंस के बीच में ये फैब्रिक नजर आएगा बिल्कुल पतला सा, तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखेगी और बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। ये चारों तरफ मैं इसे अप्लाई कर दूंगी, तो इसे अप्लाई करके मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेकलाइन मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली, कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये यहाँ सेंटर के जो स्टिचिंग है वो मैं ओपन कर दूंगी और सेंटर में यहाँ पर बटन्स या फिर कुछ और बीट्स वगैरह यूज़ करूँगी, जिससे इसका लुक और भी सुंदर लगेगा। साथ ही में मैंने स्लीव्स पे भी देखे ऐसा बॉर्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस कुर्ती का फाइनल लुक मैं आपको कुर्ती स्टिच करके शो। कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है, कितना ब्यूटीफुल लुक आया है इस कुर्ती का। नेकलाइन भी बहुत फिनिशिंग के साथ बन गई है और यहाँ मैंने वाइट पर्ल्स लगाई हैं जो पूरी मैचिंग में है और बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रही हैं। ये फ्री साइज़ की कुर्ती है, डबल एक्सल साइज़ की, फिर भी देखिए कितनी ब्यूटीफुली बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये सिंगर प्रॉमिस 1409 सिंग मशीन से मेरी ये डिज़ाइनिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ मिलते रहेंगे नॉर्मल सिंग मशीन से। बुटीक स्पेशली बुटीक को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको, बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। और आपके जो भी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन है उससे भी आपको अलग अलग टाइप की वैरायटीज नेकलाइंस में, ब्लाउजेस में, सब मैं आपको एक वन बाय वन प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसलिए डिज़ाइनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो।